प्रिय अंगुकलिका श्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। नमस्कार, मैं पंडित उत्कर्ष शर्मा कुछ ज्योतिषीय चर्चा को लेकर के आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि बुध राशि परिवर्तन करने वाला है। 7 अप्रैल दोपहर 2:28 को बुध अपने नीच राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का यह कहना है कि जब भी कोई ग्रह अपने नीच राशि में परिवर्तन करता है, नीच राशि में गमन करता है, तो वह अपना दुष्प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। ये चर्चा विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि बुध नीच राशि में गमन तो करेगा, लेकिन वो जिस राशि में गमन कर रहा है उस राशि का राशिस यानी राशि का स्वामी गुरु वो पहले ही नीच राशि में गमन कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो बुध का जो नीचत्व है वो भंग नहीं होता और इसलिए ये ज्यादा दुष्प्रभाव लेकर के आएगा और यह 17 दिन का समय ये दुष्प्रभाव से भरा रहेगा। आगे हम लोग जानेंगे मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत कौन कौन से राशियों में यह ज्यादा दुष्प्रभाव लाता है या कम दुष्प्रभाव लाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे राशियों के क्रम में, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल क्या प्रभाव देने वाला है इसको जानते हैं। देखा जाए तो यह षष्ठेश और तृतीयेश होकर के 12वें भाव में बुध का संचरण होगा। तो ये नीच भंग राजयोग, लेकिन ये नीच भंग राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु पहले से ही नीच राशि में ही संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर आप कर्ज लिए हुए हैं, बैंक से लोन वगैरह अगर लिए हुए हैं, तो आज आपकी परेशानी बढ़ा देने वाली होगी। व्यर्थ में आपको परेशान करने वाला होगा, व्यर्थ में शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड और आपको त्वचा जन्य ये रोग दे सकते हैं। शत्रुओं का आप पर हमला हो सकता है, शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और छोटे भाई बहनों के संबंध में आपका खटास आ सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध आप अच्छे बना करके रखिए क्योंकि आप मेष राशि के हैं और बुध सर्वथा आपके राशि के लिए अकारक होता है। देखा जाए तो मेष राशि के जातक का जो स्वभाव होता है थोड़ा उग्र नेचर का होता है और तेज तर्रार स्वभाव का होता है, तो आप अपने स्वभाव के कारण ही सब बिगाड़ बैठेंगे और व्याधिक के ये कराने वाला होगा ये जो गोचर काल है। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो छवि खराब करने के लिए शत्रु आप पर हावी होना चालू हो जाएंगे, तो आप अपने छवि को बचा करके रखिएगा। और अगर आप व्यापारी है तो इस समय निवेश नहीं करिए क्योंकि व्यापारियों के लिए तो अभी भी देखा जाए तो स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है तो घर में ही रहे, तो ये गोचर काल के दौरान थोड़ी सी राहत मिल जाती है क्योंकि आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं तब जाकर के आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यह गोचर काल निर्णय लेने के लिए अच्छी नहीं है। 17 दिनों का यह जो समय है वो ठीक नहीं कहा जाएगा क्योंकि बुध जल्दी ही प्रभाव देने वाले ग्रहों में से एक है। 17 दिनों के ये जो गोचर काल है इसमें ही अपना प्रभाव वो देना चालू कर देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? मेष राशि के जातकों के लिए गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ उनको करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को दुर्वा अर्पित भगवान गणेश जी को करें और लाल पुष्पों की माला या लाल पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें, आपका सब काम अच्छा होगा। घर का माहौल ठीक रखिए और निर्णय लेने से बचिए। ये है मेष राशि के जातकों का प्रभाव। अब चलते हैं राशियों के क्रम में वृषभ राशि। वृषभ राशियों के लिए जो बुध है एकादश भाव में संचरण करेगा, आपके राशि के पंचमस्थ और द्वितीय भाव का मालिक है ये बुध। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि कोई भी ग्रह चाहे पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, एकादश भाव में जाते ही सब ग्रह अपना शुभ फल देना चालू कर देते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लाभ की स्थिति के लिए ठीक कहा जाएगा, लेकिन पहले ही बताया जा चुका है कि ये बुध का नीच राशि में गमन होगा, तो ये जो है आपके लिए, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में निवेश करना अभी अच्छा नहीं होगा, आप बुरे फंसेंगे। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करिए, शेयर मार्केट से नुकसान उठाना पड़ेंगे। अगर आप
प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध में भी आपको धोखे की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंध में खटास आने का ये स्थिति बनेगा, तो आप उसमें भी परेशानी देखने को आपको मिल जाएगा। जीवन साथी के साथ में संबंध, दोस्तों के साथ में जो संबंध है वो खराब होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान आपको दोस्तों से बात करते वक्त सतर्क रहना चाहिए और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता लानी चाहिए, क्योंकि यह गोचर काल बिल्कुल ही आपके विपरीत जाने वाली है। और वाणी पर आप कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप अपने वाणी के कारण ही सब कुछ बिगाड़ बैठेंगे। तो सो आप वाणी में कंट्रोल रखिए, वाणी में मधुरता लाइए, वाणी के कारण ही घर का माहौल पूरा विपरीत हो जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चों के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बच्चों के कारण घर में कलह हो सकता है, बच्चों के कारण आपको कुछ परेशानियां या बच्चों के तरफ से आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो वृषभ जातक के लिए अगर देखा जाए तो यह भी दुष्प्रभाव देने वाला ही बनेगा, क्योंकि लाभ भाव में संचरण है तो कुछ लाभ के रास्ते भी बनेंगे, लेकिन शनि से दृष्ट है। देखो एक सीधा सा सूत्र है कि भाव और भाव कारक अगर दोनों पीड़ित हो जाए तो वो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि अभी है। तो नीच राशि में गमन करना और शनि का तीसरा दृष्टि पड़ना ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव लेकर के आने वाला है, इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहूंगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो, या कोई भी राशि के हैं तो वृषभ राशियों के लिए क्या उपाय है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको 3 माला बुधवार के दिन करना चाहिए। आपको भी गणेश जी का आराधना करना चाहिए और दुर्वा लाल फूल आप गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए। राशियों के क्रम में अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर काल क्या लेकर के आता है, देखा जाए तो यह दशम भाव में बुध का संचरण होगा और आपके लिए यह चतुर्थेश और खुद लग्न का स्वामी होता है। मिथुन राशि के जातकों का एक स्वभाव देखने को मिलता है, छने रुष्टा छने तुष्टा। तो जिस प्रकार से ये छने रुष्टा छने तुष्ट का आपका स्वभाव है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके लिए कुछ फायदा भी देगा और नुकसान भी देगा, और ये छने तुष्टा छने रुष्टा के चक्कर में आकर के आप फायदा को भी गंवा बैठेंगे। कैसे, फायदा कार्य क्षेत्र में हो और राजनीति में हो, विरोध तो आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि बुध का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, विरोध तो सहना पड़ेगा लेकिन आप इसका सामना कर जाएंगे। और देखा जाए तो आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट से आपको लाभ नहीं होने वाला है, आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं करिए। जमीन जायदाद से अगर जुड़ी कोई समस्या है या जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप फंस जाएंगे, आप पैसे को फंसा डालेंगे, तो ये आप काम बिल्कुल नहीं करिए। जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छा होगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपका संबंध अच्छा होगा। प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रहने वाले हैं, प्रेम संबंध में खटास आने की संभावना पूरा बना हुआ है और त्वचा और दांत संबंधी जो आपकी समस्या है आपको हो सकता है, तो सावधान हो जाइए, त्वचा और दांत संबंधी समस्या आपको आ सकती है। प्रिय दर्शकों एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या गोचर काल को देखते कैसे हैं? अगर कुंडली में आपका बुध खराब स्थिति में है, वो नीच राशि में है या शनि से दृष्ट है या पापक ग्रहों से दृष्ट अथवा युत है, तो यह गोचर काल आपके लिए और ज्यादा बुरा हो जाएगा। क्यों, शास्त्र का नियम है, ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप गोचर काल में भी उनका जो लाभ है वो उठा नहीं सकते, आपको हानि होगी। अगर आपका जो कुंडली है उसमें बलाबल के साथ में बुध बैठा हुआ है तो फिर आपको एक कुछ राहत देने वाली होगी, लेकिन अभी जो ये नीच राशि में गमन करेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका फल मध्यम से भी नीचे हो जाएगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बता देना चाहिए कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आप क्या करना चाहिए, उपाय यही है कि हरी सब्जियों का आप हो सके तो दान कीजिए, गरीबों को हरी सब्जियों का दान कीजिए,
हरी हरे जो चारा चारा है वो जा करके आप गाय को खिला सकते हैं, और आप भी गणेश भगवान की पूजा कीजिए, आपके लिए भी ये शुभ होने वाला बन जाएगा। अगर आप पूजा करते तो बच जाएंगे, बन जाएगा नहीं, बन जाएगा गलत हो जाएगा, बच सकते हैं इस दुष्प्रभाव से। अब आगे चलते हैं, आगे कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह द्वादशेश होता है और यह तृतीयेश भी होता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये तृतीयेश और द्वादशेश दोनों होते हैं, और ये आपके धर्म भाव में यानी नवम भाव में संचरण करने वाला होगा। तो क्या क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? घर में कलह की स्थिति बनने वाली है, घर में माहौल विपरीत हो जाएगा, घर में वातावरण ठीक नहीं रहेगा, और कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो फिर कार्य क्षेत्र में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिजनों से मदद मिलेगा, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मेहनत करेंगे तो खूब मेहनत के बाद में आपको कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि धर्म भाव में है और धर्म भाव में सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहां भी उतना प्रॉफिट नजर नहीं आता। अब देखा जाए तो मित्रों से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तृतीय है, तृतीय भाव से मित्रों का भी विचार किया जाता है। तो अगर जो मित्र आपके आज तक से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, वो मित्र आपको धोखा देना चालू कर देंगे, या फिर उस मित्र के द्वारा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आप लोन वगैरह अगर लेकर के रखे हैं तो वो उसमें अटकले आ सकते हैं, उसमें रुकावट आ सकता है। राजनीति के क्षेत्र में है तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, और बातों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, बातों को तोड़ मरोड़ करके आपको ही बदनाम करने की कोशिश किया जाएगा। और देखा जाए तो फिर ये जो अगर ओवरऑल कहा जाए तो कर्क राशियों के लिए भी यह दुष्प्रभाव, लेकिन परिजनों का जो मदद है, मेहनत से जो अच्छा रिजल्ट है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका उपाय क्या है? आपको आपको ये भी यही उपाय बताया जाता है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का 3 माला आप नित्य जाप कीजिए, या फिर अगर नित्य नहीं कर सकते, ऐसे भी तो घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, तो फिर बाहर जाना होगा नहीं, कार्य क्षेत्र में नुकसान आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि आप अगर कुछ नहीं करते, आप अगर घर में बैठे हैं तो फिर ना आपके लिए अच्छा है और ना ही आपके लिए बुरा है, वो शून्य के समान है। लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते हैं तब वो ग्रह अपना प्रभाव दिखाना चालू करता है। तो बुध का यह जो प्रभाव है आपके घर का वातावरण जो है विपरीत करने वाला होगा। हाँ, निर्णय लेने से बचिए, निर्णय जब भी आप लेना चाहेंगे तो फिर ये आपको गलत निर्णय ले जा करके आपको भविष्य में भी ये फंसाने वाला बन जाएगा। तो ये गोचर काल आपके लिए भी सही नहीं होगा। अब राशियों के क्रम में सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल क्या होगा, आइए देखते हैं। देखा जाए तो ये द्विती भाव का स्वामी, कुटुंब भाव का स्वामी है, और कुटुंब भाव के स्वामी और बनते हैं आपके आयस, मतलब एकादश भाव के स्वामी, संचरण कर रहे हैं आपके अष्टम भाव पर। और अष्टम भाव मतलब यहां पर वो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि विपरीत राजयोग का कोई अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए उसको वाणी पर कंट्रोल करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से उग्र नेचर के होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन थोड़े से कठोर वचन भी वो बोलना जानते हैं। तो आपके वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा सर्वप्रथम। दूसरा ये कि पैतृक संपत्ति से, अगर पैतृक संपत्ति के लिए आप लड़ रहे हैं या पैतृक संपत्ति पाना चाहते हैं तो ये आपको लड़ा देने वाला होगा, ये आपको पैतृक संपत्ति से वंचित करा देने वाला होगा। ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है, लॉजिक सीधा सा है, क्योंकि आपके पैतृक संपत्ति के भाव का ये मालिक होकर के अष्टम भाव में संचरण करेगा। तो फिर आप देखिए, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और आप घर में भी देखा जाए तो ये आपके मति को भ्रमित करेगा, और घर में बैठे बिठाए ही आपके मति को भ्रमित करके लड़ने पर उतारू आपको कर देगा पैतृक संबंधी धन से, और वो अभाव आपका कुटुंब भाव भी कहलाता है। और कुटुंब भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा, और इसका प्रभाव आपको
ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कुटुंब का माहौल भी विपरीत होना चालू हो जाएगा, आपको कुटुंब में भी आपको झगड़ा मतभेद ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा, तो इससे जरा दूर बच करके रहेंगे। स्वास्थ्य आपका खराब होगा और दांत में त्वचा में ये दोनों चीजों में आपको ये नुकसान देने वाला बुध का ये संचरण होगा। तो दांत और त्वचा जन्य रोग अगर आप पहले भी अगर आपको ये रोग हो चुका है तो सावधान हो जाइए, ये आपको ये रोग देने वाला बन जाएगा। और क्या होगा, एक प्लस पॉइंट आप सी राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा। क्या, चूंकि अष्टम भाव से आध्यात्मिक भाव छठी इंद्री का विचार किया जाता है, पूर्वाभास का पूर्वानुमान का विचार किया जाता है, तो सी राशि के जातकों के लिए यह प्लस पॉइंट होगा कि आने वाली परिस्थितियों के लिए यह पूर्वाभास आपको कराता रहेगा, पूर्वानुमान आपको होता रहेगा, आप पहले से जान जाएंगे कि आपको अब होने वाला क्या है, और यह आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि आपके लिए जब यह पता चल जाता है कि पहले से होने वाला क्या आपको आभास हो जाता है, तो फिर आप इससे थोड़ा सा सिक्योर रह सकते हैं, आप थोड़ा सा इसमें बचाव कर सकते हैं। और अप्रत्याशित यात्रा का भी ये स्थिति बनने वाली है, याद से बन गई है, 2:28 से बुध राशि जब परिवर्तन कर गया है तो ये आपके लिए ऐसा स्थिति बन जाएगा, यात्रा अप्रत्याशित अनचाही यात्रा आपके लिए ये बन जाएगी। पैसा रुक जाएगा, अगर आप पैसा किसी को दिए हैं या पैसे से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा में भी रुकावट आएगा। और जो त्वचा संबंधी रोग है, स्वास्थ्य में जो समस्या है, स्वास्थ्य खराब होने की संभावना आपकी बन रही है। आपको क्या करना चाहिए, ये सी राशि के जातकों के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गणेश भगवान के सामने घी का दिया जला करके ओम राम रीम रोम सह बुधाय नमः ये बीज मंत्र का जाप आपको भी करना चाहिए। 3 माला जाप बुधवार के दिन आपको करना चाहिए, आपके लिए भी यह बचाव के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होने वाला है। चलिए चलते हैं राशियों के क्रम में। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए ये फल क्या लेकर के आता है देखते हैं। सप्तम भाव में आपके राशि से संचरण करेगा और यह आपका लग्नेश और दशमेश होकर के सप्तम भाव में संचरण करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि कन्या राशि को किस लिए जाना जाता है, कन्या राशि को व्यापार के लिए जाना जाता है, कन्या राशि को मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, वे मैनेज बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, वे जो जितने भी विपरीत परिस्थिति है उसको मैनेज करना अच्छे से जानता है। तो देखा जाए तो व्यापारी वर्ग जो आप मैनेज करना अच्छे से जानते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप मैनेज करना अच्छे से तो जानते हैं और उसी चक्कर में आप सब चीज बिगाड़ बैठेंगे। ये बुध आपको ये गलत फल दे देगा, क्योंकि बुध नीच राशि में है और नीच राशि में जाकर के ये आपको गलत फल देने वाला बन जाएगा। आप जो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं मैनेज करेंगे, फिर आपको विश्वास होगा और विश्वास करने के चक्कर में आप फिर उसको बिगाड़ बैठेंगे। और इस पर शनि का भी प्रभाव है, शनि का 3रा दृष्टि बुध पर पड़ा हुआ है, तो वाणी से संबंधित आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाणी से संबंधित अगर कुछ काम करना हो तो उससे बचिए, निर्णय ना लें, निर्णय इस परिस्थिति में बिल्कुल आपको नहीं लेना है। धन की स्थिति और आपका आत्मविश्वास दोनों घटने वाला है। शादीशुदा जीवन में अगर आप हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद का पूरा पूरा स्थिति बना हुआ है, सो आप ध्यान से इस 17 दिन को आप बिताइए। और कला की स्थिति परिवार में बिल्कुल ना बनने दे, खास करके अपने जो जीवन साथी है उसके साथ में। करियर के पक्ष में अगर देखें तो ये दशमेश होकर के आपका सप्तम भाव में संचरण करेंगे और शनि से दृष्ट होकर के संचरण करेंगे, तो करियर में बदनामी की स्थिति भी आ सकती है, आपका करियर खतरे में हो सकता है, बदनामी की स्थिति आपको आ सकती है। और ऐसे ऐसे कूटनीतिज्ञ आपके लिए खड़े हो जाएंगे जो आपके लिए चक्रव्यूह का रचना आपके लिए करेंगे। इस राशि के जातकों के लिए क्या करना है आइए जानते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं किन्नर मिल जाए तो उससे आप आशीर्वाद लीजिए, उससे आप अगर आशीर्वाद लेते हैं तो उसका आशीर्वाद बिल्कुल आपको फलने वाला होगा। आप गणेश भगवान की उपासना कीजिए, छोटे बच्चों को उपहार दीजिए, छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए चलते हैं राशियों के क्रम में तुला राशि। राशियों के क्रम में अब बात करते हैं तुला राशि।
तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए द्वादशेश और नवम भाव के स्वामी होकर के ये षष्ठम भाव में संचरण करेंगे। षष्ठम भाव में संचरण करने से ये आपको क्या दुष्प्रभाव लेकर के आएगा आपके लिए, ये देखते हैं। सेहत आप सुधार करके रखिए, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण के भाव में ये संचरण करेगा और ये रोग को बढ़ाने वाला बन जाएगा, आपकी सेहत को खराब करने वाला बन जाएगा। तो आपका जो दांत संबंधी समस्या है, त्वचा संबंधी, देखिए इस राशि फल को ऐसा समझ सकते हैं, बुध जिस जिस तत्वों का कारक है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। बुध किस किस चीज का कारक है? दांत का, त्वचा का, व्यापार का, बुद्धि का। तो इन सभी चीजों में वो कमी लाने वाला बनता है। तो आपके लिए सेहत में जो है गिरावट आने को देख सकते हैं आप, सेहत में आपका गिरावट आ सकता है। पुराना कोई अगर रोग है तो पुराना रोग फिर से आपको ये ग्रसने का ये स्थिति बनने वाली है। व्ययाधिक के अधिक होगा, खर्च उलझुल खर्च आपको देखने को मिल जाएगा, समाज में अपमान की स्थिति बनेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समाज में अपमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगा, आपको अपमान की स्थिति झेलनी पड़ जाएगी। तो आप इस गोचर काल के दौरान 17 दिनों के दौरान आपको ये सावधान होकर के चलना चाहिए। चुनौतियों से आप लड़ेंगे और इसी लड़ाई के कारण आप बच पाएंगे। थोड़े से आप बुद्धि लगा करके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप नौकरी पेशा है, अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब बदलने की नौबत आ जाएगी या जॉब छोड़ने की भी नौबत आ जाएगी। आपके लिए एक बेनिफिट, थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो आपके लिए ये रहेगा कि आपके उच्च अधिकारी या आप जिसके अंडर में काम करते हैं उसकी सलाह लीजिए, उसकी बात मानिए। उसके बात मानने से आपका जो ये जॉब में खतरा है वो टल सकता है। आगे अगर देखें तो आपका ये भाग्यश भी है और भाग्यश होकर के षष्ठम भाव में संचरण करेगा, तो भाग्य को ये कमजोर बना देने वाला होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। और भाग्य को कमजोर करके आपका समाज में अपमान करके आपके स्वास्थ्य को भी वो कमजोर कर देगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए ये राशिफल अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से ही अगर कुछ काम करना चाहे तो काम करिए, या माता पिता के आशीर्वाद से ही आप अपने बुद्धि से काम करिए। और गाय को हरा चारा आप खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाने से बहुत कुछ आपको ये नुकसान कम कर देगा। राशियों के क्रम में अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध सर्वथा अकारक ग्रह होता है, क्योंकि ये अष्टमेश और एकादशेश है। अष्टमेश और एकादशेश होकर के बुध पंचम भाव में आपका संचरण करेगा। पंचम भाव से जो विचार किया जाता है वो है ज्ञान का, बुद्धि का, प्रेम संबंध का, मनोरंजन का, तो इन सभी और शेयर मार्केट का, ये सभी चीजों का आपका विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो जितने भी मैंने आपको बतलाया, शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, जुआ हो, या फिर प्रेम संबंध हो, इनसे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो बच करके रहिए, इनमें आप बिल्कुल ना पड़िए। 17 दिनों का ये जो समय है बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए अकारक ग्रह भी है और पंचम भाव में यह शनि से दृष्ट होकर के बैठेगा, नीच राशि में गमन है, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोटे बच्चे अगर हैं आपके, या आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो भी ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत में आप खराबी देखने को मिल सकता है, पैसा अटकेगा और बुद्धिमता के बल पर भी आपको बात इसमें नहीं बनने वाली, क्योंकि देखा जाए तो वृश्चिक राशि आपको ये बुद्धि के लिए मतलब जाना जाता है, बुद्धि के लिए ही आप पहचानते हैं। लेकिन ये राशि जो पहले से ही बतला करके रख चुका हूं कि ये जो गोचर प्रभाव है या आपके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। एलर्जी अगर आपको हो रहा होगा या एलर्जी से आप परेशान होते होंगे, त्वचा रोग अगर आपको है, तो ये बढ़ाने वाला बन जाएगा, ये आग में और घी डालने का काम कर देगा। निर्णय लेने से आपको भी बचना है, क्योंकि ये बुद्धि भाव में आपका संचरण करेगा और गलत निर्णय करा करके आपको ये सब समस्या में फंसा देने वाला हो। क्या करना चाहिए आपको? गणेश भगवान के बीज मंत्र जो ओम गंग गणपतये नमः,
इनका जाप आपको करना चाहिए। या राशियों के क्रम में अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये चतुर्थ भाव में संचरण होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्तमेश और कर्मेश होते हैं। कर्मेश और सप्तमेश बन करके बुध चतुर्थ राशि में आपका गमन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर चतुर्थ में गमन करता है तो उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देता है। और बुध चतुर्थ में संचरण करके क्या प्रभाव देगा, आप माता और पिता दोनों के बात को मानिए, दोनों के स्वास्थ्य को आप संभालिए। क्योंकि भाव में संचरण है और पिता के भाव को सप्तम दृष्टि से वो देखेगा, तो माता पिता के स्वास्थ्य को आप ध्यान रखिए, उनके ख्याल कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। घर में कलहपूर्ण स्थिति आपका बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सुख का घर है, सुख के भाव में बुध का संचरण है और ये सप्तमेश और कर्मेश बन करके वहां संचरण करेगा शनि से दृष्ट होकर के, तो घर में आपका कलह हो सकता है। खास करके माता के जो स्वास्थ्य है उसमें आप कमी देखने को आपको मिल जाएगा। तो माता पिता का बात मानिए, कुटुंब के कलह से बचिए, जो भी कुटुंबजन परिवारजन है उसके कलह से बचिए, उसमें आपका तनावपूर्ण स्थिति आने वाली है ये 17 दिन के समय में, आप उसके तनाव से बचिए। फिर व्यापारी अगर है तो पहले ही बता चुके हैं कि व्यापारी वर्गों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बुध का संचरण, क्योंकि बुध व्यापार का ही कारक होता है, तो व्यापारी वर्ग के लिए तो अच्छा है ही नहीं। व्यापार में आप अभी निवेश नहीं कीजिए, ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आगे के लिए प्लानिंग कीजिए भले, लेकिन निवेश आपको नहीं करना है। निर्णय नियंत्रण करें, धनु राशि के हैं आप, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एक प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्या यह प्रॉफिट होगा, आप जीवन साथी के बात को मानिए। दाम्पत्य जीवन में है आप तो जीवन साथी के बात को आप मानिए, और दाम्पत्य जीवन में नहीं है तो माता पिता की बात को आपको माननी चाहिए। जीवन साथी जो कहे उसको आप मानो, जीवन साथी का आदर करो, और इस तरीके से आप इस चीज से बच सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए आपको, तो ये आपके लिए राशि जो है आपके लिए गोचर अच्छा होगा। बात करते हैं राशियों के क्रम में मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल क्या प्रभाव देने वाला है, क्या दुष्प्रभाव देने वाला है, इसको जानते हैं। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये आपके तीसरे भाव में संचरण करेगा, और देखा जाए तो आपके लिए षष्ठेश और नवमेश होकर के तीसरे भाव में वो संचरण करेगा। चूंकि षष्ठेश बन करके वो संचरण कर रहा है तो षष्ठम भाव से रोग रिपु ऋण का विचार किया जाता है। आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे, शत्रुओं का पलड़ा भारी होगा, तो शत्रुओं से जरा बच करके रहिएगा, और कुटुंबजनों का विरोध आपको सहना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो उसमें अलाभ की स्थिति बन रही है, उसमें लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, सो बच करके रहिएगा। छोटे भाई बहन के घर में ये संचरण है, वो भी नीच भाव में आकर, नीच राशि में आकर के, तो छोटे भाई बहन उनके साथ संबंध को अच्छा रखिए, उनके साथ आप संबंध अच्छा बना करके रखेंगे तो आपको लाभ होगा। वरना ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि छोटे भाई बहनों से वो पक्का आपसे आपको झगड़ा करा देगा। आलस्य ना करें, आलस्य की स्थिति को त्यागें और आलस्यता से दूरी बनाए रखेंगे, ऐसे भी शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का ये मत है, आलस्यम ही मनुष्यानाम सर्वस्थो महारिपुः, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, आलस्यता को त्यागें। दूसरा, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, दोस्तों से बात करिए, दोस्तों से सलाह लीजिए, दोस्तों से बात करने से माहौल अच्छा होगा, घर का माहौल जितना हो सके आप शांत पूर्वक रहिए, शांति का माहौल आप बना करके रखिए। आपके लिए संकट नाशन स्त्रोत का पाठ करें, गणेश संकट नाशन स्त्रोत्र है, उसका पाठ करना आपके लिए बड़ा ही लाभदायी होगा। बात करते हैं राशियों के क्रम में कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आने वाला है। देखा जाए तो आपके गोचर में यह द्वितीय भाव में संचरण करेगा, क्योंकि आपके राशि में यह अष्टमेश और पंचमेश होकर के
ये दूसरे भाव में संचरण करेगा, धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में संचरण करेगा। वाणी का मालिक वाणी भाव में जाकर के बैठा हुआ है और नीच राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो एक बात तो तय है, आप एक बात गांठ बांध करके रख लीजिए, आपके वाणी को आप संभाल करके प्रयोग में लाइए। अगर आप अपने वाणी को संभालेंगे नहीं तो बिल्कुल आपके परिवार में माहौल विपरीत रहेगा, कुटुंबियों से आपका जो विरोध है वो बढ़ जाएगा, परिवारजनों में आपका विरोध बढ़ेगा। और आप कुंभ राशि के हैं, वर्तमान समय में आपको 7.5 शनि लगी हुई है, तब ये गोचर काल आपके लिए और नुकसानदेह हो सकता है। तो घर का माहौल संभाल के रखिए, वाणी बिल्कुल संभाल करके आप रखिए। आप अगर कुंभ राशि के हैं तो वाणी के कारण आप पूरा माहौल खराब कर सकते हैं, आप घर का माहौल बिल्कुल खराब कर सकते हैं। धन संचयन अगर आप कर रहे हैं तो धन संचयन में आपकी दिक्कत महसूस होगी, पैतृक संपत्ति अगर लाभ चाहते तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको नहीं मिलने वाला इस गोचर काल के दौरान। पैतृक संपत्ति से जुड़ा या जमीन जायदाद से जुड़ा आप कोई भी काम मत कीजिए, ये बिगाड़ देगा। जिस शैली में आप बात करते हैं उस शैली को यह बिगाड़ देने वाला होगा, आप कहेंगे कुछ और सामने वाले समझेंगे कुछ, तो ये आपको ये ऐसा आपका छवि बिगाड़ने वाला बन जाएगा। छोटे बच्चों से आप जुड़े हुए हैं तो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य में ये गिरावट, और प्रेम संबंध में अगर है तो प्रेम संबंध में भी आप गिरावट, प्रेम संबंधों में धोखे की स्थिति ये बना रहा है। आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिष्ठा में भी कमी ये दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा में मान सम्मान में भी कमी हो सकता है, आपको क्या करना, मूंग का जो खड़ी मूंग जो होता है वो उस खड़ी मूंग को मंगलवार की रात को भिगा दीजिए, और भिगाने के पश्चात बुधवार को उठ करके उस मूंग को चिड़ियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाने से आपको कुछ राहत मिल सकती है। आगे चलते हैं मीन राशि, सबसे अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर क्या देने वाला होगा, मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर उनके व्यक्तित्व में, उनके प्रथम भाव में, उनके लग्न में ही ये संचरण करेगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्तमेश और चतुर्थेश बन करके ये लग्न में संचरण करेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप अहंकारी हैं, अगर आप घमंड से काम लेते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका किया हुआ फैसला सर्वथा सही होता है तो सावधान हो जाइए, ये आपको गिरा देने वाला, फंसा देने वाला और आपके मान सम्मान को ये ठेस पहुंचाने वाला बन जाएगा। जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आप एडवाइस देने के लिए जाने जाते हैं, आप बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, वो विपरीत परिस्थिति आपका बना देगा। औरों की राय मान करके आप गलत फैसला ले लेंगे, औरों का राय मानने से थोड़ा सा बचिए, औरों का राय अभी मानिए मत। और देखा जाए तो घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा, आपके ही व्यवहार के कारण में घर में कलह की स्थिति, झगड़े की स्थिति ये बनने वाली है। आर्थिक स्थिति आपका जो खराब होने की दिख रही है, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ सकता है। और पहले ही बताया जा चुका है, अगर आप अहंकारी हैं, अगर आप घमंड करते हैं तो फिर ये पूरा पूरा आपको नुकसानदेह हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि वाणी में आप कंट्रोल रखेंगे तभी ये गोचर काल आपके लिए सही हो सकता है। मेहनत कीजिए और गणेश का पाठ आपको करना लाभदायक होगा। गणेश जी के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। खासकर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपके लिए लाभदायक होगा। जीवन साथी के सेहत में आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सप्तमेश होकर के लग्न में जाकर के वो संचरण करेगा, तो जीवन साथी के सेहत में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दांत और त्वचा से संबंधित रोग आपको ये बुध दे सकते हैं, तो इनका जरा ख्याल रखिएगा। प्रिय दर्शकों, आपने देखा होगा कि मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी राशि के जातकों के लिए मैंने एक ही उपाय बतलाया और एक ही बात कही कि वाणी में कंट्रोल रखिए, घर का माहौल शांत रखिए, और जो भी आप फैसला लेते हैं उसको अभी के लिए ना लीजिए, क्योंकि ये निर्णय लेने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि बुध अपना प्रभाव शुरू में ही दे जाता है, वो प्रभाव अपना लास्ट में नहीं देता, मध्य में नहीं देता, शुरू में ही देना चालू करता है। और आज
7 अप्रैल से ये बुध राशि परिवर्तन करेगा और अपना प्रभाव देना चालू कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, घर का माहौल ठीक रखिए और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है बाहर ना निकले। लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में रह करके शांत कोई योगा करें, मेडिटेशन करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। गणेश जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और अपने परिवार के माहौल को आप शांत बनाने की कोशिश करें। ये 17 दिन का जो बुध का राशि का संचरण है, ये आपके लिए विशेष बनने वाला होगा, विशेष नुकसान देने वाला बन जाएगा, तो आपको बच के रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इतना ही लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको कुछ ज्ञान देने वाला बनेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।